अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं नारान में और ये है प्रोजेक्ट एरिया, आप सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 874 मेगावाट और प्रोजेक्ट एरिया है, काम लगा हुआ है। अभी हम रास्ते पे गुजर रहे हैं, आगे हमने जाने नारान और नारान से फिर आगे हमने जाना है थोड़ा सा आगे। तो फ़िलहाल तो हम सिर्फ इसको रास्ते से ही बाईपास कर रहे हैं, इस वजह से गाड़ी वीडियो बना रहे हैं। और फिलहाल हमें इजाज़त भी नहीं है, कुछ दिनों बाद नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम इधर आएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर होंगे तो अंदर से भी हम फिर वीडियोज़ बनाएंगे। फिलहाल ये सामने ये डैम का स्पिलवे है, डैम का स्पिलवे है तैयार है और स्पिलवे से पानी आ रहा है, फ्लो जा रही है। ये सामने ये स्पिलवे है प्रोजेक्ट का, किस साइड पे जा रहे हो सीधा? ये रिजर्वायर के लिए दीवार बना रहे हैं, दीवार को शॉर्ट क्रीट किया हुआ है और ये रिजर्वायर के दीवार है जो अभी बन रहा है। नीचे पार्क ट्रैक किया हुआ है, रोड का टनल बनाया हुआ है, टनल बना हुआ है, टनल पे है ना नीचे, ये पानी वाला है, ये रोकेंगे इंजेक्शन। सूखी किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नारान में है, नारान सिटी पहुंचने से थोड़ा सा पहले आता है और कहान वैली मेन इसका है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के पी के। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेगी और नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम इधर आएंगे 5-6 दिन के लिए, हमें कुछ काम मिला है इस प्रोजेक्ट पे भी तो उसके लिए हम आएंगे। तो फिर डिटेल्स इंशाल्लाह अंदर से और पावर हाउस पहले सब की डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सर पास कर रहे हैं इसको तो इस वजह से गाड़ी से वीडियो बना रहा हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है। रेंजर से हम सामने स्पिलवे है, स्पिलवे नजर आ रहा है बिल्कुल, और स्पिलवे की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ है, स्पिलवे के से जा रही है पानी। अभी भी काम स्पिलवे पे लगा हुआ है लेकिन फ्लो जो है ना वो जा रही है। तो अभी हम प्रोजेक्ट एरिया से निकल आए और आगे मूव कर रहे हैं। इस सूखी किनारी प्रोजेक्ट का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो CGGC है, चाइना की जोआवा ग्रुप है। पावर हाउस यहाँ पे है,
ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है सूखी किनारे, ये जो डैम बन रहा है, ये दरिया कोनार पे बन रहा है जो नारान से आता है। नारान का जो दरिया है बालाकोट की तरफ जाता है, फिर मुजफ्फ़राबाद की तरफ, मुजफ्फ़राबाद में मिलता है झेलम ड्राइवर के साथ, ये वही दरिया है। वो अभी गाड़ी से वीडियो शूट किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्लान है नेक्स्ट मंथ में आएंगे इंशाल्लाह, फिर डिटेल्स वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे।